ये है गोभी और ऐसे ऐसे मैंने काट के रखी हुई है। और अब इसको मैं गर्म पानी में हल्दी और नमक वाले पानी में हल्की सी स्टीम दूंगी। पहले इसको हम धो लेते हैं गोभी को अपने साफ पानी में, और उससे बाद ये है पतीला, इसमें मैं डाल दी हूँ पानी गर्म करने के लिए। इसको मैं पानी को मैं रख लेती हूँ इंडक्शन पे। अब इसमें हो जाएगा अब पानी गर्म, और इसमें मैं डाल लेती हूँ 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का। एक चम्मच मैंने डाल दिया इसमें हल्दी, और 1 चम्मच डाल दिया इसमें नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा और डाल देंगे। ये नमक और हल्दी वाला पानी है, और ये मैंने गोभी को अच्छी तरह धो दिया है। अपने हिसाब से आप गोभी का पीस कर सकते हैं, आपको कितने कितने साइज के चाहिए होते हैं। तो मैंने छोटे छोटे ही रखे हैं, कोई बड़े भी हैं कोई छोटे भी हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने गर्म पानी में हल्दी और मिर्च सॉरी नमक क्यों डाला है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए डाला है क्योंकि इसमें मैंने गोभी को स्टीम करना है, और इसी पानी में इसको थोड़ा वॉश भी हो जाएगी ये, और जिससे गोभी के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और लोगों को बहम रहता है कि गोभी में कीड़े वगैरह रहते हैं, तो वो बरसात के दिनों में होते हैं, आजकल नहीं होते। हमारे यहाँ पे तो बहुत सर्दी है, और ये फ्रेश गोभी है, मैंने फ्रेश मंगवाई हुई है। इसमें डाल दूंगी गोभी सारी, फ्रेंड्स जब तक ये ऐसे उबल ना जाए। मैंने ज्यादा डाल दिए, वैसे कम डालनी चाहिए थी। पर फिर भी अच्छा हो जाएगा ये, क्योंकि इंडक्शन है, इंडक्शन पे हल्की हल्की आंच लगती है, गैस पे तो तेज होता है गैस तो। गाइस, मैंने खाली कर दिया पतीला, और ये इसमें मैंने सारा पानी निकाल दिया है, और जिसमें पानी बच रहा है वो इसमें नीचे निकल जाएगा, और 10-15 मिनट बाद में इसको कपड़े में रख दूंगी सूखने के लिए। इसको अब मैंने कॉटन वाला दुपट्टा होता है उसमें रख दिया है, और सूखने के लिए जब ये सूख जाएगा तो मैं इसका अचार डालूंगी। और यहाँ पे ये थोड़ी सी लग रही है, और ऐसा कितना बड़ा सारा पतीला था ये भर के। इसको रख दिया मैंने गोभी को, जो मैंने वहाँ से कपड़े पर से उठाकर, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ी देर धूप में रखूँगी। और ये साफ वाली अजवाइन है, बारीक वाली है, पर ये ना मोटी वाली नहीं है अजवाइन, बारीक वाली है, और है ये बिल्कुल साफ। तो ये मैंने देखो ऐसे ले लिए 2 चम्मच, और ये ले लिए मैंने येलो सरसों, और ये ले ली है राई, और
ये ले रही हूँ मेथे, मतलब एक एक चम्मच, दो दो चम्मच हर एक चीज़ का, दो दो चम्मच। मैं तो हाथ से डाल रही हूँ ना, पर ये दो दो चम्मच हर एक चीज़ का, ये भी ये भी ये भी, मतलब ये भी ये भी का मतलब ये येलो सरसों, राई सबूत सबूत, अजवाइन भी सबूत, और सौंफ भी सबूत, और मेथी भी सबूत। अब इसको खड़े मसाले ये हो चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर लेंगे। इसको हल्का हल्का सा ही गर्म करना है, बहुत तेज नहीं करना गर्म, इसको ब्राउन मत करना। और ऐसे आप इसको प्लेट में निकाल दें। फ्रेंड्स, अब मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है, और ये देखिए ये हल्का हल्का ही हुआ है, और अब इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम पीस लेंगे। मैंने दो चम्मच जीरा भी ले लिया है। जितनी देर में तेल गर्म होता है उतनी देर में मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। हल्दी हम कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें पहले हल्दी हुई भी, और ये डालूँगी मैं मिर्च, ये रंग वाली मिर्च है, और ये हो गया नमक, ये डाल दूंगी मैं काला नमक एक चम्मच, और ये हो गया धनिया। फ्रेंड्स, इसमें धुआं निकल चुका है, तो आप गैस को बंद कर देंगे और तेल को हम ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने मसाला तैयार कर दिया है, और अब मैं बनाती हूँ अचार, मतलब मिक्स करती हूँ, बाकी तो सब कुछ हो ही चुका है। एक कप से थोड़ा सा कम मैंने विनेगर ले लिया था, तो मैंने वो गोभी में मिला दिया, और ये खुला बर्तन में मिलाया आप, अपू कंपनी का मैंने विनेगर लिया था। फिर मैंने जो मसाले पिसे हुए थे वो मैंने जो ठंडा किया तेल उसमें मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करके इसको, बस ये ठंडा तेल होना चाहिए, गरम में ना डालें आप। अब आप गोभी में मिक्स किया हुआ मसाले वाला तेल आप गोभी में मिक्स कर दें, और अच्छी तरह इसको मिलाएं, इसको खुले बर्तन में मिलाएं, जिससे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले। और यह है तेज मिर्च, अमचून, अजवाइन। अजवाइन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गोभी का अचार खाने से गैस्ट्रिक हो जाती है, और येलो सरसों, मेथी, राई, और ये सौंफ। गोभी का अचार की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को वॉच करने के लिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहिए।
तेल मैंने दोबारा से डाला है, ये हम जब डब्बे में डाल देंगे तो उसके ऊपर डालेंगे। गाइज आप बताना आपको कैसा लग रहा है, आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कांच का जार है तो उसमें डालें आप, मेरे पास तो प्लास्टिक के है तो मैं इसी में डाल रही हूँ, इन वाले बॉक्स में इसमें डाल रही हूँ। इसमें तेल आप ज़्यादा डालें नहीं तो ये ख़राब हो सकता है, इसमें उंगली लग सकती है, तो इसमें आप तेल डालें, ये पूरा डूब जाना चाहिए तेल में, तो और इससे ज़्यादा टाइम तक रहेगा अचार। फ्रेंड्स ये वाला आधा लीटर का था, ये वाला भी मैंने ख़त्म कर दिया, इसमें डाला इतना है, अभी इसमें नहीं डाला हुआ तो इसमें मैं डाल लेती हूँ, और ये फिर से डालती हूँ तेल गर्म करने के लिए, फिर गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा करना करके फिर इसमें डलेगा।